हेलो फ्रेंड्स सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर दोस्तों चैनल पर नए तो मेक श्योर sure उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि हम लेकर आते हैं सपना और अंशु की लेटेस्ट अपडेट और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और जिन लोगों ने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ साथ ही अपनी राय यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि भाई आपको ये वीडियो कैसे लगा सिर्फ लिखते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखिए कि भाई आपकी कमेंट रिस्पेक्टफुल हो ताकि उसे रखने में हमें कोई दिक्कत ना हो दोस्तों आज कुछ ऐसी डिस्कशन में आपके साथ करने वाला हूँ कि दिल दहल जाएगा आपका जी हाँ दोस्तों आज बहुत ही सीरियस मैटर पर मैं आपसे डिस्कस करने आया यहाँ पे सपना चौधरी के बारे में अंशु के बारे में भतीजे के बारे में कि ऐसी क्या लेटेस्ट अपडेट आई है कि जिसके लिए मुझे यहाँ पर वीडियो बनाना पड़ा तो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिले दोस्तों आपको बता दें कि अब यहाँ पे ये जो फैमिलीज़ हैं ऑलरेडी आइसोलेट हो चुकी हैं सपना की फैमिली एक हो गई सास ससुर की एक हो गई और अंशु अलग हो गई अब यहाँ पे अगर हम चाहें भी तो कभी लाइफ में फ्यूचर में ऐसा इम्पॉसिबल लग रहा है कि कभी ये सारी फैमिली जाकर एकजुट हो जाएंगी उसके अलावा के भगवान कोई करिश्मा ना कर दे नहीं तो ऐसा बिल्कुल भी कतई नहीं लगता है कि कभी जाकर ही फैमिली एक होगी अब आपने देखा कि भाई अंशु जब से उस घर से गई है यानी शिवपुरी से गई है पहले स्टार्टिंग में हो सकता है उसको बहुत सारे इश्यूज़ हुए हैं लेकिन अब फिलहाल वो अपनी फैमिली के साथ काफ़ी कंफर्टेबल होगी भले वो हो, भतीजा हो उसकी बड़ी बहन हो या फिर उसकी मौसी हो जो मथुरा रहती है या फिर यहाँ पे और कोई हो हम कह सकते हैं कि काफ़ी मैच हो चुका है और काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रही है जिसमें हमने देखा भी था मथुरा में आ, उनको अपनी फैमिली के साथ घूमते हुए अब दोस्तों इसी चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं अंशु कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी कर रही है जिसे देख लोग काफ़ी गुस्से में मुझे नहीं पता कि ये बात आपने ये एक्टिविटी आपने नोट की है या फिर नहीं की है लेकिन मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं जो नफरत यहाँ पे शिवी और सपना के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसका हिस्सा कहीं ना कहीं अंशु भी बन चुकी है जी हाँ दोस्तों जाने में अनजाने में बचपने में लेकिन यहाँ पे एक पार्ट तो बन गई है वो कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे आज चीज़ें हैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए एक छोटा सा पार्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक इन्फॉर्म करना चाहता हूँ दरअसल शिवी ने अपनी दिवाली का एक पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर किया था जिसे यहाँ पर अंशु ने लाइक कर दिया अब ये लाइक करने का सीधा सीधा मतलब है कि भाई कहीं ना कहीं आपकी कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे सपना के साथ है या कुछ जलन है या जो भी है मुझे नहीं पता या आपने अनजाने में उसे लाइक कर दिया इसे लेकर लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में अंशु के खिलाफ है साथ ही आपको ये भी बता दें कि अंशु ने एक काम और किया है कि भाई जो भाई का यानी जो भतीजे का ब्लॉग आया था कोई दो तीन दिन पहले जहाँ पे उसे काफ़ी कम व्यूज़ मिले थे इसलिए यहाँ पे भाई की हमेशा कोशिश यानी भतीजे की हमेशा कोशिश रहती है कि उसके व्लॉग उसके चैनल को प्रमोट किया जाए एक टाइम पे सपना उसके चैनल को प्रमोट करती थी सास के कहने पे अब यहाँ पे वो काम अब यहाँ पे सपना तो रही नहीं उसके पास तो यहाँ पे ये यह काम उसने अंशु को दिया है और आप हमेशा देखेंगे ना तो उसके थंबनेल में हमेशा अंशु की पिक्चर्स रहती रहती क्यों ताकि लोग उसे देखें आप जानते हो कि भाई जिसे लोग चाहते चाहते हैं उसी का थंबनेल यहाँ पे क्लिक किया जाता तो इस वजह से अब यहाँ पे अंशु ने अपने चैनल के कम्युनिटी पर अपने भाई की वीडियो को प्रमोट किया और उसके बाद यहाँ पे उसके कहीं ना कहीं व्यूज बढ़े ठीक है अब ये तो एक पार्ट हो गया अब दोस्तों दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि लोगों का दिल आत्मा जमीर पूरी तरह से मर चुकी अब ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि अपनी पूरी जिंदगी ख़त्म कर दो और पूरी चीज़ें यहाँ पर अपने ससुराल वालों को दे दो अब उनके ससुराल में कौन आते हैं आप भली बात ही जानते हैं भले सास ससुर हों या फिर सासू माँ के दो भाई हों या फिर उनके बच्चे हों या फिर भतीजा हो ये सारे आते हैं बराबर अब ऑलरेडी सपना इमोशंस में आके अपना बहुत कुछ दे चुकी है भले वो पच्चीस लाख का चेक हो या फिर यहाँ पे गोल्ड हो जो दहेज में मिला था या फिर जो दहेज के पैसे या फिर मथुरा वाला घर हो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे दे चुकी हैं यहाँ पे सेक्रीफाइस कर चुकी है लेकिन अब ये देने के बाद भी कुछ लोगों को दिल में ठंडक नहीं पड़ रही दिल में अभी भी दर्द है कि भाई इसके पास अगर कुछ है तो क्यों है अगर इसके पास रेंटल घर है तो क्यों है अगर इसके पास गाड़ी है तो क्यों है बोले उसने किश्तों पर ली हो अपनी मेहनत पर ली क्यों है उसके पास इनका बस चले तो हाथ में कटोरा थमा दे और बोले अपने बच्चों के साथ यहाँ पर भीख मांगने बैठ जाओ क्योंकि इन लोगों का तो जमीर मर चुका है आत्मा मर चुकी है अपनी फैमिली के लिए तो कभी ये लोग ये नहीं सोचते लेकिन दूसरों के बच्चों के लिए ऐसा सोचते हैं दोस्तों ये मैं क्यों कह रहा हूं ये भी मैं आपको बात बताता हूं वो भी सबूत के साथ बताऊंगा आपने देखा कि लोगों के कहने पर रॉड चैनल हैंड ओवर कर दिए यहां पे अंश ने सिर्फ एक बार यहां पे कुछ लोगों ने कहा वो भी कुछ चंद गिनती में थे कुछ ज्यादा मेजोरिटी नहीं थी उनकी फिर भी यहां पे नेगेटिव लोगों की बात मान ली और यहां पे जो पॉजिटिव लोगों ने कहा कि उसका तुम्हारा हक है उनकी बात सपना नहीं मानी अब यहां पे रॉड चैनल दे दिया गया लोगों ने कहा कि वो चेक के पैसे मतलब वो चेक के पैसे नहीं लिए सपना ने बोला अपना सारा हक छोड़ दो उसने सारा हक छोड़ दिया अब लोग यहाँ पे रॉड चैनल के बाद भी सपना को फिर से दोषी ठहराकर कर ये तक कह रहे हैं कि भाई स्नैपी गल में फिफ्टी परसेंट अपना हिस्सा भी दे दो आज तक तुमने जो कमाया ना स्नैपी स्नैपीगल में जितना भी कमाया समझो फॉर एग्जांपल दस लाख कमाया तो पांच लाख यहाँ पे अपने ससुराल वालों को दे दो क्यों भाई स्नैपी गर्ल में अंशु भी थी ना आज भी अगर हम बैनर देखेंगे चैनल बैनर तो उसमें अंशु है आपका बस चले ना तो सपना को कहो कि अपने हार्ट गुर्दे सब निकाल के दे दें उनको निछावर कर देखते हैं वो भी देखते हैं कि भाई उसकी आंखों में कितना दर्द है कितना दर्द छुपाए वो अपने पॉजिटिव ब्लॉग्स बनाती है सिर्फ एक चैनल के बेसिस पे अपना लाइवलीवड चला रही है ये सारी चीजें नोटिस करते हैं कि भाई अप, उसने अपना सब कुछ निछावर कर दिया लेकिन स्नेपिगल उसने अपनी मेहनत से बनाया उसमें किसी की कोई हाथ नहीं थी आज भी उसी के दम पर उसी के बेसिस पर यहाँ पे उसने जिम्मेदारी ली है अपने बच्चों की अपने घर चलाने की लेकिन वो कहते हैं ना कि आपका बस चले तो भाई एक इंसान को पूरा दबोच कर रख दो जैसे कोई जानवर दबोचता अगर ऐसा ना होता तो आप ऐसी बात कते ही ना कहती कि जो इंसान का सहारा है वो भी छीन लो ताकि उसके पास कुछ बचे ही नहीं क्योंकि आपने तो बहुत बड़े उन्होंने जुर्म कर दिए ना बहुत बड़े क्राइम कर दिए तो उसकी सजा तो यहाँ पे सपना को मिलनी चाहिए बराबर ना अगर मैं इनसे पूछता हूँ अगर यही चीजें आपके साथ हुई होती और आपके पास एक सहारा होता और कोई आपसे वो भी छीनने की बात करता तो आपका क्या रिएक्शन होता आप सोचिए जरा इन्हें इन्हें कहने वालों को दिल नहीं पड़ता मुझे समझ नहीं आती क्या एक बार अंदर से इन्हें जमीर की आवाज नहीं आती कि भाई तुम कैसे कह रही लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर तुम्हारे अंदर दया ही नहीं है इंसानियत ही नहीं है और करम वो कहते हैं कि कर्मा वापस आता है लेकिन तुम्हें यहां पे पता ही नहीं है कि भाई कर्म सिद्धांत क्या होते हैं जिस दिन तुम कर्म सिद्धांत जान जाओगी तो ये सारी चीजें कहना तो दूर सोचना भी यहाँ पर बंद कर दोगे तो दोस्तों आज मेरा ये रिएक्शन था इस वीडियो पर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में, में ज़रूर बताइए आज के लिए बस इतना ही